और अब एक और अहम जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। दो दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन, इसके लिए प्रधानमंत्री को पहुंचना था। पहले जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह पहुंचे थे, अब प्रधानमंत्री भी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। शुरुआत जो होगी वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के जरिए होगी। उद्घाटन भाषण वही देंगे, शुभारंभ उनके जरिए, और उसके बाद समापन नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन एक जानकारी ये भी है कि आज भी प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, तो 400 पार का नारा, और ये कितना अहम हो जाता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने अब की बार 400 पार ये नारा दिया था, लोकसभा के भीतर उन्होंने ये दावा किया था, और जब भारत मंडपम पहुंचे हैं ये उनकी तस्वीरें सीधी आप देख पा रहे हैं। ये दो दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन है, आपको बता दें इसमें 11,500 से ज्यादा बीजेपी के जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंच रहे हैं। हर विधानसभा, हर लोकसभा क्षेत्र, ग्रामीण अंचल, उनको भी कवर किया गया है, वहां से भी डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए कार्यकर्ताओं में नया जोश, नई ऊर्जा का संचार हो पाए, और एक तरीके से समझ लीजिए कि औपचारिक ऐलान भाजपा की तरफ से अब इसके बाद हो जाएगा। लाइन तय हो जाएगी कि किन मुद्दों के सहारे 400 पार इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश इस बार होगी। वो लाइन, वो मुद्दे सीधा सीधा और बहुत क्लियर तरीके से इस बार सामने आ जाएंगे। किन क्षेत्रों में, दक्षिण, उत्तर, यहां पर किन क्षेत्रों में किन मुद्दों को हवा देनी है, किसकी धार कितनी होनी है, विपक्ष को कैसे निशाने पर लेना है, और सहयोगियों के साथ सीटों का जो गणित बिठाना है, हो सकता है क्योंकि उस पर भी चर्चा हो। दायरा लगातार भाजपा बढ़ाने में जुटी हुई है। कुमार गौरव मेरे साथ जुड़े हुए लगातार। कुमार, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और जानकारी यह भी है कि आज भी प्रधानमंत्री का क्या संबोधन हो सकता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री अभी भरत मंडपम, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महाधिवेशन का स्थल है, वहां पे पहुंच गए हैं, और अब से कुछ देर में लाइटिंग ऑफ लैंप, आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है वो एक सिस्टम है कि राष्ट्रीय महाधिवेशन की जब शुरुआत होती है उससे पहले एक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है। तो प्रधानमंत्री अभी पहुंच चुके हैं, अभी लाइटिंग ऑफ लैंप का कार्यक्रम चल रहा है, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी से कर रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा, और उसके बाद लोकसभा रिलेटेड जो भी पार्टी के कैंपेन देश के सभी हिस्सों में चल रहे हैं उस पर एक प्रेजेंटेशन होगा, जिसे प्रधानमंत्री भी देखेंगे, और उसी में इंटरव्यू करते हुए प्रधानमंत्री 12:40 पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। एक बार कल का जो उनका समापन भाषण होगा, जिसका मंच का जो भाषण है, उससे पहले अधिकारियों को भी बैठेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पदाधिकारी वही लोग होते हैं जिनके निर्देश से देश के तमाम हिस्से में जो बीजेपी की यूनिट है वो जमीन पे काम करती है। तो आज जो पहला संबोधन होगा प्रधानमंत्री का, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेजेंटेशन चल रहा होगा कि क्या क्या पार्टी कर रही है, उस दौरान इंटरव्यू करेंगे और उस दौरान वो संबोधित करेंगे, ताकि राष्ट्रीय पदाधिकारियों को एक क्लियर कट लाइन मिले, प्रधानमंत्री मोदी क्या चाहते हैं, कि सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या है, किस लाइन पे जनता के पास जाए, ताकि उसको कोई क्रॉस न कर सके, उसको कोई ब्रिज न कर सके कि नहीं, ये जो बात आप दे रहे हैं, ये जो बात आप बता रहे हैं वो गलत। इसलिए प्रधानमंत्री एक लाइन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में आज देंगे और 12:40 उनका संबोधन हो। शुक्रिया आपका गौरव, विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इस बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहे।